नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज जोविता पात्रा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुग्राम हरियाणा. इट्स माय प्रिविलेज एंड ग्रेट ऑनर टू पार्टिसिपेट इन द परीक्षा पे चर्चा 2023. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, हाउ कैन आई फोकस ऑन माय स्टडीज? Kindly guide me on this issue. Thank you, sir. धन्यवाद जोविता. माननीय प्रधानमंत्री जी, जोविता पात्रा एक एवरेज स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में कैसे बेहतर करें इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं. कृपया उनका मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं. वरना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिशमार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूं. एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा. मुझे बहुत बड़े तिशमारखा बनने की जरूरत नहीं है. हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं. जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं. इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है. और मैं तो चाहूंगा हर माँ बाप से, आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए. उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए. कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको कहें, नहीं नहीं भैया, अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो. उसमें कुछ बुरा नहीं है. अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है. और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी. लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं. और इसलिए हमें कभी भी ये सोचना, दुनिया में आप देखिए, ज्यादातर जो लोग सफल हुए हैं वो क्या है जी, वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जी, असामान्य काम करके आए हैं, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए हैं. अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा हो रही है, कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है. और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है. और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यवस्थाओं की कमी है. बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक स्थिति. कोई कमी नहीं है, ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है, और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है. लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है,
भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले लिखा देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसा? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हर एक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आके निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।